वॉयलेंट फिल्म कौन सी है? किल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑब्वियसली KGF, पुष्पा, एनिमल, मकबूल, मनोज वाजपेयी जी की सत्या। ऐसा धर्मा के ओनर ने बोला है कि काफी वॉयलेंट है, आपको पता है? नहीं यार, नहीं बताओ ना आप। किल का ट्रेलर मैंने देखा, मुझे इस साल की तो वही लग रही है। या ये जिसमें राघव जूनियर, राघव तो देखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ मैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा उसका डांस हो गया या उसकी कुछ USPs हैं उसके अंदर, और वो डांसर काफ़ी अच्छा है, कॉमेडी काफ़ी अच्छी कर लेता है, बट पता नहीं मुझे कि वो इतना सीरियस रोल अच्छा कर पाएगा नहीं पाएगा। सच में अच्छी होने वाली है, पहली बार शायद करण जौहर साहब ने अच्छी फिल्म पे पैसा लगाया है। काट देना। तो कल मैंने फाइनली किल का ट्रेलर देखा और मेरे लिए ये बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म में से एक होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनके हिसाब से बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म कौन सी है। तो चलिए सर, अगर आपके हिसाब से बात की जाए तो बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म कौन सी है? किल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑब्वियसली KGF, मंजुआ, पुष्पा, एनिमल इज ऑल्सो वॉयलेंट, एनिमल। बॉलीवुड में अभी हाल ही मैंने उसका ट्रेलर देखा किल का। किल भी काफ़ी वायलेंट लग रही है, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एनिमल से भी ज़्यादा वो वायलेंट हो सकती है, ट्रेलर को देख के लग रहा है। मकबूल, इरफान साहब की, हाँ इरफान सर, मनोज वाजपेयी जी की सत्या, यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मैंने मतलब, और इवन मैंने ये भी सुना था कि मिर्ज़ापुर भी बहुत वायलेंट था, बहुत डार्क स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसको फिर बहुत चीज़ों को, हाँ कि सेंटर बोर्ड को भी पास करना था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि धर्मा की एक फिल्म आ रही है जिसको करण जौहर ने, धर्मा के ओनर है, उन्होंने बोला है कि ये बॉलीवुड की मोस्ट वायलेंट फिल्म है, वो कौन सी है? या ये जिसमें राघव जूनियर आले ना, लक्ष्य अपना डेब्यू, नाम याद नहीं आ रहा, नाम क्या है उसका? लक्ष्य बहुत किल मूवी बहुत ही गजब की होने वाली है। किल का ट्रेलर मैंने देखा, मुझे इस साल की तो वही लग रही है। एनिमल थी वो आ गई है, मगर आने वाली की बात कर रहा हूँ तो किल लग रही है मेरे को, जो ट्रेन के अंदर सारे सीक्वेंस है वो जॉन विक टाइप की बना रखी है, तो उसमें मजा आएगा देख के। सर आपको पता है कि धर्मा की भी एक मूवी आ रही है जो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी वॉयलेंट है, और लाइक धर्मा के जो ओनर है करण जौहर, उन्होंने ये बोला है कि ये बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म होने वाली है। आपको पता है वो फिल्म कौन सी? नहीं बताओ ना आप। सर तो एक फिल्म आ रही है किल, जिसमें लक्ष्य अपना डेब्यू करने वाले हैं, राघव और किल है, तो वो कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड की मोस्ट वायलेंट फिल्म है, तो उससे आप एक्साइटेड हो देखने के लिए? नहीं, राघव तो देखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ मैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा उसका डांस हो गया या उसकी कुछ USPs हैं उसके अंदर, उसकी वॉक हो गई तो, और वो डांसर काफ़ी अच्छा है, कॉमेडी काफ़ी अच्छी कर लेता है, बट पता नहीं मुझे कि वो इतना सीरियस रोल अच्छा कर पाएगा नहीं पाएगा, होगी क्योंकि इन लोगों ने, मतलब देखो मैं तो ऐसा व्यूअरशिप के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शन में लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं, बट लेकिन हाँ मेरे लिए भी एक्साइटिंग रहेगा उसको देखना कि वो इतना, क्योंकि वो विलन बना है इसमें, मतलब काफ़ी नेगेटिव शेड्स में वो रोल कर रहा है, और तो मेरे को अच्छा लगेगा उसको देखना, बट लेकिन हाँ उसकी वजह से मेरे को वो किल का नाम याद है। सच में अच्छी होने वाली है, पहली बार शायद करण जौहर साहब ने अच्छी फिल्म पे पैसा लगाया है। काट देना। तो सर अभी जैसे कि आपको पता है धर्मा की एक फिल्म आ रही है जो कि ऐसा धर्मा के ओनर ने बोला है कि काफ़ी वॉयलेंट है, काफ़ी मतलब बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म होने वाली है। आपको नाम पता है फिल्म? हाँ आपको पता है? नहीं यार। वो है किल, किल, किल। अच्छा, बॉलीवुड की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। मतलब क्योंकि मतलब वो 2012 में आई थी मेरे ख्याल से, एक हफ्ते में दोनों रिलीज़ हुई थी, है ना, एक हफ्ते के गैप में दोनों रिलीज़ हुई थी, आई थिंक 2011 और 12 के बीच में ही है वो। तो मेरे को सबसे, क्योंकि उसमें ग्राउंड लेवल पे जो हमारे इलाकों में हम देख पाते हैं, या जिस तरीके की बदमाशी, जिस तरीके का एक कल्चर हम देख पाते हैं आपस में, जो हम रिलेट कर पाते हैं, वो उस तरीके की मूवी थी। मतलब मेरे हिसाब से उसको ऑस्कर में जाना चाहिए था। उस समय पे बर्फ़ी आई थी, तो बर्फ़ी को ऑस्कर में भेजा गया था, बट लेकिन अगर इस मूवी को ऑस्कर में भेजा जाता ना, तो हॉलीवुड में थोड़ा सा पता चलता कि कुछ ऐसी मूवीज़ हमारे यहाँ बनती, पता तो चलता ही है भाई, ओवरऑल इतने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अब तक की सब, अगर वॉयलेंट फिल्म मैं बोलूँगा जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है। या और एक और है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस पर आप? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो यार वो तो दिल के पास है, वो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग ही चीज़ है, प्यार है वो तो, प्यार है वो, ऐसा तो कभी ना बनी है, लगता भी नहीं मेरे को शायद वैसा रॉ बनेगा कि नहीं, अब क्या पता, हाई होप बनना चाहिए,
बट सर अभी कुछ टाइम पहले एक और वायलेंट फिल्म आई थी जो थी एनिमल, तो वो भी वो काफ़ी बहुत पसंद है। आपने सबसे ज़्यादा पूछा तो सबसे ज़्यादा वो थी और सेकंड नंबर पे एनिमल है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले अगर क्लिक हुआ ना तो वो हुआ, तो उसके बाद एनिमल है। एनिमल बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, जिस तरीके का उसके अंदर टेरर और क्या बोलूँगा मैं, मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, ये ब्लड या फिर जिस तरीके का लड़ाई झगड़ा उसे कह सकते हैं हिंदी की लैंग्वेज में बोलूँ मैं, तो काफ़ी अलग दिखा है वो। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे उसमें गॉडफादर जो है जिस तरीके से वो अपने फादर के लिए सारा करता है, थोड़ा सा वो उस तरीके का दिखाया लेकिन बहुत अलग थी वो उन सबसे मूवी। तो एनिमल मैं देख के आया था और फर्स्ट डे ही देख के आया था। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड की मोस्ट वायलेंट फिल्म कौन सी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।